ओंकार सतनाम करता पुरख। केवल एक ओंकार ही ईश्वर का सच्चा नाम है। सब कुछ उसी ने बनाया है, वह ही इस ब्रह्मांड का निर्माता है। निर्भव निर्वैर, न वो किसी भाव से बंधा है, न ही उसका किसी से बैर है, अर्थात वह किसी से पक्षपात नहीं करता। अकाल मूरत अजूनी से भव गुरुप्रसाद, वह काल से मुक्त है, न उसका जन्म हुआ न ही उसकी मृत्यु होगी। वह स्वयं से ही प्रकाशमान है, उसका ही प्रकाश गुरु प्रसाद के रूप में हम सब में हर कण में प्रकाशित होता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सीधी सच। इसी अमर सत्य का जाप करो, युगों युगों से यही सत्य है, और नानक जी कहते हैं कि आगे भविष्य में भी यही सत्य रहेगा। सोचे सोचना हो गई जे सोची लखवा, लाख बार स्नान करने से भी मन पवित्र नहीं होता। चुपे चुप न हो गई जे लाई रहा लिबता, चुप रहने पर भी मन को शांति नहीं मिलती, जब तक उस मन के तार बाहरी संसार से जुड़े हैं। पुखया पुख न उतरी जे बन्ना बुरिया, मन की भूख नहीं मिटती चाहे भौतिक शरीर जितना मर्जी खाना खा ले। सहस्यान पलक होए ता इक ना चले ना, चाहे कोई बहुत सियाना हो उसे लाख चालाकियां आती हो, लेकिन गुरु प्रसाद को पाने के लिए कोई चाल काम नहीं आती। किव सच्यारा हुई किव कूड़े तुट्टे पार, मन सिर्फ इसी तलाश में भटकता है कि कोई कैसे उस सत्य को प्राप्त हो सकता है। संसार रूपी इस भ्रम और मिथ्या की दीवार को कैसे तोड़ा जा सकता है। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया।